गैस की टंकी फूटने से लगी आग। देवास से खास खबर, आदर्श नगर गायत्री मंदिर के सामने की गली में घर के गैस की टंकी फूटने से आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर आधे घंटे में पाया काबू। आदर्श नगर क्षेत्र में स्थित दो मंजिला मकान के रसोई घर में गैस की टंकी फूटने से आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग आग को बुझाने का प्रयास करते नजर आए। वही नगर निगम की दो फायर दमकल और स्थानीय लोगों के बोरवेल से आग को बुझाया गया। टंकी के फूटने से दूसरे मंजिल की दीवार क्रैक होकर साइड के प्लॉट में नीचे कार पर जा गिरी, जिससे कार में भी आग लग गई और टीन शेड भी टूट गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि दो मंजिला मकान में ऊपर रसोई घर था, जहां गैस की टंकी फूटी और दीवार तोड़कर नीचे गिरी। गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। हर्ष नगर बी सेक्टर में गोलू भावसर जी का मकान है और इनकी तीसरी मंजिल की छत पे एकदम धमाके की आवाज सुनाई थी स्थानीय रहवासियों को। और जैसे ही लोगों ने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक दीवार नीचे गिर गई थी पास के खाली जगह पे और आग लग गई थी। जब स्थानीय रहवासियों ने मुझे सूचित किया तो मैंने नगर निगम फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड अभी आई है और उन्होंने आग बुझा दी है। भैया प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस कारण से आग लगी थी? तीसरी मंजिल है, सामान्यतः ऊपर एक गैस की टंकी आदमी अपने ऊपर स्टोर में रखता ही है, तो हो सकता है कि गैस की टंकी गर्मी की वजह से फूट गई होगी, ऐसा अभी वर्तमान में प्रतीत होता है। बाकी सुबह पता चलेगा। भैया बताया कि स्थानीय रहवासी उनके द्वारा एक टंकी भी नीचे निकाली गई है। हाँ, दो टंकियां थी, एक टंकी में ब्लास्ट होना बताया जा रहा है, दूसरी टंकी को पड़ोसी है वो ऊपर से गए कि कहीं और ज्यादा नुकसान नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपनी रिस्क लेके और वो ऊपर गए और उन्होंने उस टंकी को फिर नीचे। भैया ये जो दीवार गिरी है इसके क्या कार दबी इसमें? हाँ, नीचे पड़ोसी का मकान है वो यहाँ पर अभी इस समय उपलब्ध नहीं है, इसलिए टीम के शेड पे वो दीवार गिरी है और कुछ लिक्विड गिरने की वजह से नीचे थोड़ी आग लगी थी, वो अभी वर्तमान में सब। कार में भी आग लगी है क्या? हाँ, थोड़े नीचे भी कुछ नुकसान है, लेकिन चूंकि अभी आग का ये समय चल रहा है इसलिए अभी अंदर जाके नुकसान का मुआयना नहीं कर सकते, उसको देखेंगे क्या स्थिति। कितनी फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है अभी तक? दो, एक फायर ब्रिगेड पहुंची थी, वो उसका काम होने के बाद वापस उनको सूचना करी तो दूसरी। कितने घंटे लग गए आग को बुझाने में? मेरे को लग रहा करीब आधी घंटा लगा होगा, आधी घंटे पहले मुझे सूचना मिली थी। शीतल गहलोत पार्षद में जिले से वार्ड 3। ठीक, मामला था क्या, बड़ी घटना आई है? ये रेलवे स्टेशन रोड गजरा चौराहे के पास में गायत्री मंदिर पड़ता है, जहाँ सूचना प्राप्त हुई कि घरेलू एलपी सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण घर में आग लगा हुआ है, तो मौके पर फायर ब्रिगेड रवाना हुई आग बुझाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे कितने सिलेंडर रखे हुए थे और कितने निकाले गए आपके द्वारा? फिलहाल तो एक सिलेंडर ब्लास्ट होने की सूचना है, जिससे दीवार गिर गई है ऊपर के तीसरे मंजिल की, और दो खाली सिलेंडर उन्होंने बाहर निकाला है। अच्छा भैया, ये बताया जा रहा है यहाँ पे कुछ कार में भी आग लगी थी? हाँ, सिलेंडर में आग लगा जिस कारण आग नीचे आई, पड़ोस में ही खाली जगह में कार रखा हुआ था वैगन आर, जिसमें आग लग गई। कितने समय पर बुझा लिया गया, पर वो कार काफी हद तक जल गई। कितने घंटे में आग को बुझाया गया? कम से कम एक घंटे लग गए। कितनी गाड़ी लगी? दो गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी और आग बुझाने का काम चल ही रहा है। आपका नाम भैया? अनुज चंदेल, फायर डिपार्टमेंट। अच्छा, घर किसका नाम पता है अभी? अभी कोई सूचना नहीं है, आग बुझने के बाद देखते हैं, पंचनामा बनेगा तब सूचना प्राप्त हो जाएगी। मामला है, किसके घर में आग लगी थी? ये मेरे पड़ोसी है जो देवेन भावसार करके, वो अभी बाहर नौकरी पे है और उनकी मम्मी अकेली रहती है। मैं इधर साइड में काम कर रहा था तो मुझे एकदम धमाके की आवाज़ आई और मैं वहीं से वैसे ही दौड़ा और हमने ये पास वाली छत से आग बुझाने की कोशिश करी पाइप लगा के, जितना सामने का जितना जल रहा था उतना हमने बुझाने की कोशिश करी थी, फिर भी आग थोड़ी बहुत कंट्रोल। कितने घंटे में आग को बुझाया? करीबन 15-20 मिनट हमने पाइप से फायरिंग करी थी पानी। अच्छा, बोरिंग कितनी फायर ब्रिगेड पहुंची यहाँ पे भी? दो फायर ब्रिगेड। यहाँ देखा कि आसपास के लोगों द्वारा बोरिंग भी चालू करे गए, पानी भी डाला गया था ना, हमारे राजेश भैया ने बोरिंग चालू किया था, राजेश विश्वकर्मा जी, उनने बोरिंग चालू करके और ऊपर से जो टंकी में पाइप गया है उसमें पाइप लगा के और यहाँ से छत पे पास वाली छत से हमने पानी डालने की कोशिश की। आपका नाम? उदय भाउस्कर।